वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। मैं इस लेसन का जो आपका लेसन है, लेसन नंबर 2 द डायमंड नेकलेस, इसका काफ़ी कुछ हिस्सा कंप्लीट करवा चुका हूँ। फाइनली हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप घर पे पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये कुछ कन्वर्सेशन था हस्बैंड और वाइफ के बीच में। एक क्लर्क जो काफ़ी निम्न क्लास की नौकरी करता है, और मैथिल्डा इसमें उसकी वाइफ रहती है, जो हाईली एस्पायर्ड रहती है और काफ़ी उसकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जीवन में बहुत कुछ करना है, उसे बहुत कुछ करना चाहती है और काफ़ी अच्छी लाइफ जीना चाहती है। उसके सपने जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जो कि निम्न वर्ग के क्लर्क के घर में वो सपने पूरे नहीं हो सकते। इसी वजह से वो ज़्यादातर जो इरिटेट रहती है और उसको अपनी जीवन से संतुष्टि नहीं है, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। सो फाइनली हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, मतलब वो आखिरी में रिप्लाई करती है जब उसका हस्बैंड पूछता है कि कितनी मनी में तुम्हारा जो है वो गाउन तैयार हो जाएगा। पहनने के लिए उसको एक ड्रेस चाहिए थी अच्छी सी पार्टी में, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है उसके लिए एक लिफाफा लाता है जिसमें इनविटेशन कार्ड था, पर वो हैप्पी नहीं हुई थी उस इनविटेशन कार्ड को देखकर। रीज़न उसका ये था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास ना तो ज्वेलरी है और ना ही ढंग के कपड़े है, तो उस पार्टी में जाके क्या करेगी। और वो बोल भी देती है एक बार तो कि तुम एक काम करो, अपने कलीग को ये इनविटेशन कार्ड दे दो, ताकि तुम्हारा कलीग जो है कोई भी एक्स वाई जेड इस पार्टी को अटेंड कर लेगा। हो सकता है उसके वाइफ के पास में इस पार्टी को अटेंड करने के लिए अच्छे कपड़े भी हो और ज्वेलरी भी हो। तो तब उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम्हारी ड्रेस बनने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, तो उसके बाद का जो है ये पैराग्राफ पढ़ना अभी बाकी है। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे वास्तविक तौर पे तो नहीं पता है फिक्स कितना अमाउंट लगेगा, बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विथ 400 फ्रैंक्स। ये फ्रैंक्स जो है ये करेंसी का नाम है, और ये करेंसी जिस प्रकार अपने यहाँ रुपीस चलती है ठीक उसी प्रकार वहाँ फ्रैंक्स चलती है। तो 400 फ्रैंक्स उसे चाहिए होते हैं अपने ड्रेस को तैयार करने में या करवाने में। ही ग्रीव अ लिटिल पेल, तो उसका हस्बैंड जो है थोड़ा सा उदास हो जाता है, बिकॉज ही वॉज लाइंग असाइड जस्ट अमाउंट टू बाय अ गन, क्योंकि उसने उस अमाउंट को इसलिए इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि उसे एक गन खरीदनी थी। क्योंकि ट्रीट हिमसेल्फ अ लिटिल शूटिंग नेक्स्ट समर टू द प्लेन ऑफ नेंचिरी, मतलब ये एक जगह का नाम है, वहाँ के प्लेन्स में जाके उसे क्या करना था। इस समर का उसका प्लान था कि उस पठार में जाके वो क्या करेगा, इस बार हंटिंग करेगा और शूटिंग भी करेगा, मतलब उसका एक शौक था, तो इसलिए उसे बंदूक चाहिए हो, तो उसका शूटिंग का काफ़ी क्रेज़ था उसके हस्बैंड को। विद अ सेवरल फ्रेंड्स, और उसके बहुत मिलने वाले दोस्त थे, उनका भी क्या है ऐसा ही कुछ शौक था, उनकी हॉबी थी मतलब। फाइनली तो उसने पैसे रखे थे अलग से, बट ही सेड वेरी वेल, ठीक है, फिर भी हस्बैंड बोलता है नो प्रॉब्लम, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, एंड ट्राई टू हैव अ प्रिटी गाउन, तुम कोशिश करना कि थोड़ा अच्छा गाउन तैयार हो जाए 400 रुपीज़ में, है ना, क्योंकि 400 रुपीज़ अगर वो अपनी हॉबीज़ को पूरा नहीं करने के बावजूद अगर वो बचा के रखा उसने और वो फाइनली जो अपनी वाइफ को दे देता है,
तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ को सोचेगा कि अगर वो पैसा खर्च कर ही रहा है तो क्यों ना एक अच्छी ड्रेस उसके लिए बन जाए, ताकि कभी आगे भी किसी पार्टी में उसको ज़रूरत लगे तो उसको पहन के बड़ी आसानी से चली जाए, और उसको ऐसा भी नहीं लगे कि थोड़ी पुअर क्लास की महिला है तो इसलिए वो बोलता है कि थोड़ा अच्छा सा गाउन तैयार करवा लो। द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर, द मैडम लॉइज़ल सीम्ड सैड। जो उसकी जिस दिन उसकी पार्टी होनी थी उस दिन उसे जैसे जैसे पास में आती जा रही थी वो थोड़ी सी सेड लगती जा रही थी, थोड़ी सी दुखी लगती थी, अनइजी, थोड़ी सी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, एनेक्सियस, थोड़ी सी चिंतित थी। हर फ्रॉक वॉज रेडी, फ्रॉक तो उसका तैयार हो चुका था, हाउएवर मतलब तो भी, हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर, आखिर क्या बात है, आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम चुप हो, बोलती नहीं हो, दुखी हो, कंफर्टेबल नहीं हो, चिंतित हो, तो आखिर क्या मामला है, व्हाट इज़ मैटर, कम, यू हैव सीम्ड वेरी क्वीर दीज लास्ट थ्री डेज। तुम लगभग बीते तीन दिनों से काफ़ी उदास हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है, अशांत हो, क्या कारण हो सकता है इसका। एंड शी आंसर्ड, उसके बाद वो आंसर देती है, इट अनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी दुखी कर देती है कि मेरे पास में एक सिंगल पीस भी नहीं है ज्वेलरी का, नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, और ना ही एक छोटा सा भी आभूषण है मेरे पास में, एक सिंगल आभूषण भी नहीं है, एक भी मेरे पास में कोई आभूषण नहीं है, नथिंग टू पुट ऑन, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। आई शेल लुक पॉवर्टी स्ट्राइकन, मैं गरीबी में जकड़ी हुई दिखूंगी वहाँ पर। आई वुड ऑलमोस्ट रेदर नॉट गो एट ऑल, मैं तो किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगी। तो हस्बैंड का जवाब सुनिएगा, हस्बैंड क्या आंसर करते हैं। नॉर्मली वो बोलते हैं, यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, तुम तो है काम करना जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उन्हें पहन लेना। सेड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने कहा, दे आर क्वाइट फैशनेबल एट दिस टाइम फॉर अ ईयर ऑफ अ ईयर, काफ़ी फैशनेबल लगेंगे। फॉर टेन फ्रैंक्स यू कैन गेट टू और थ्री मैग्निफिसेंट रोजेस, लगभग 10 फ्रैंक्स लगेंगे और तुम जो है उसमें बेस्ट मैग्निफिसेंट किस्म के रोजेस तुम्हें मिल जाएंगे, उच्च क्वालिटी के, तो उससे तुम मैनेज कर लेना, एक हार बना लेना और उसे पहन लेना। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो राज़ी नहीं हुई। नो, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर वुमन हु आर रिच। ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, मजाक उड़वानी है अपनी ह्यूमिलिटी का, ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है कोई मजाक उड़ा दे आपकी, आपकी जो है बहुत लोगों में जो शर्मिंदगी महसूस हो जाए आपको, तो लोगों के और ज़्यादा महिला हैं वहाँ पर आएगी और वो सब रिच वूमन रहेगी, तो उनके बीच में जो है ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा मुझे। हाउ स्टूपिड यू आर, हर हस्बैंड क्राइड, उसके हस्बैंड ज़ोर से चिल्ला के बोला, तुम वाकई बहुत स्टूपिड हो। गो एंड लुक अप योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर ये इसकी सहेली है, किसकी, मैथिल्डा की। तो वो बोल रहा है कि अपने दोस्तों से मदद ले लो, अपनी दोस्त है उनसे हार ले लो। आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेल्स, उनसे जाके बोलो तुम्हें कुछ उसके जो ज्वेल्स हैं उनके कुछ ज्वेलरी है वो तुम्हें उधार दे देगी। यू आर
इंटीमेटेड इनफ विथ हर टू डू दैट, तुम उन्हें अभी सूचना कर दो ताकि वो तुम्हारे लिए ज्वेलरी जो है अलग से निकाल के रखेंगे। ये बातचीत होती है उनके बीच में। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप इसको मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।